अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और जी, मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर हैं, उन्होंने फरमाइश की थी कि दाल की झटपट रेसिपी बता दें। तो दाल की रेसिपी, मूंग और मसूर की दाल, जिसको पीली और सुर्ख दाल भी बोलते हैं। तो पता नहीं आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये सिंपल सी दाल जो होती है, पीली और सुर्ख दाल, कॉमन ऐसे ही वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे झटपट से तरीके मैं बता रही हूँ कि बस दाल को जैसे साफ़ करके थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के रख दें थोड़ी देर के लिए। कुछ लोग ओवरनाइट भी उसको करते हैं, सोक करते हैं। तो बस इसको फिर बॉयल के लिए पानी में जैसे बॉयल करें, और इसके साथ ही टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दिए। तो ये सबसे ईजी रेसिपी है, ये तड़के वाली दाल बना रही हूँ। ऐसे मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, उसका तड़का मैंने उसके साथ दाल को बॉयल करके और उसके बाद उसमें टमाटर वगैरह नहीं डाला था। और हाँ, नमक और सुर्ख मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर और खुश्क धनिया, वो भी इसके साथ ऐड कर दिया। और इधर से तड़का भी तैयार हो रहा है, जिसमें है ज़ीरा और थोड़ा सा मुर्गी मसाला, जो कढ़ाई गोश्त मसाला होता है वो एक चम्मच जितना वो है, और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, मतलब उसको दर दरा सा जैसे कूट लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, तो वो है। और ज़ीरा, लहसुन अदरक पाउडर और मुर्गी मसाला मस्त नहीं है, अगर आपके पसंद है आपको तो आप ऐड कर सकते हैं। ऑयल की जगह आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। आए हाय, क्या टेस्ट हो जाएगा, मज़े का मज़ेदार। तो इसमें आप देसी घी, दाल का तड़का भी ऑलमोस्ट रेडी है और दाल बॉयल भी हो चुकी है, उसमें टमाटर भी जल चुके हैं, उसको भूनना भी लग चुका है। अब हम इसमें ये तड़का ऐड कर देंगे। इसकी साउंड कितनी मज़े की होती है। अब इसको गार्निश करने के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च और लेमन ये कट करके इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। नेक्स्ट डे की वीडियो है, और इस वक्त भी दिन के टाइम बहुत अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, बस क्लाउडी वेदर हो रहा था। चने की दाल बना रही थी मैं, तो सोचा आपके साथ जो है इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँ। और इस चने की दाल जो है वो मैंने पहले से सोख करके रखी थी हॉट वाटर में, अब उसको बॉयल करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उसको बॉयलिंग के लिए रख दिया। और उसके साथ उसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। कुकर में मैंने दाल तो चढ़ा दी, फिर मुझे याद आया कि जो इसकी गैसकेट होती है, आई थिंक गैसकेट बेल्ट, ये जो है ये ख़राब हो चुकी है। और ये क्यों ख़राब हुई है, ये भी एक स्टोरी किसी दिन सुनाऊँ। मैं बना रही हूँ। क्या बना रही है? मैं क्या अब कर क्या रही है मैम? रोटी बना रही हूँ। रोटी तो नहीं बना रही है, रोटी से बनती है। क्या कर रही है? ये आटा ही है। आटा तो है, आप क्या कर रही हैं? आटा ही गूंद रही हूँ। ये जी अनम तो आटा गूंद रही है, और इससे हम रोटी पकाएंगे इंशाल्लाह, और वो खाएंगी सिर्फ अनमता मैडम। सालन भी मैं खुद करी, खुद ही बनाऊंगी। अच्छा, सालन भी खुद बनाएंगी। अच्छा, आज से आपका खाना पीना हमारे साथ नहीं है, अलग से है, ठीक है? हाँ, रोटी अलग खुद ही बनाऊंगी। ओके, और राइस? राइस भी खुद ही अलग। अच्छा, खुद ही अलग बनाएंगी, खुद ही बनाएंगी और खुद ही खाएंगी। और हमें कब खिलाएंगी अपने हाथों से बना हुआ, बड़े हो के? जब छोटी हूँ तब को भी खिलाऊंगी, अभी तब खिलाऊंगी। अच्छा, जब छोटी होंगी तब खिलाएंगी, तब भी। लोग छोटे से बड़े होते हैं या बड़े से छोटे होते हैं? हाँ? क्या कहा आपने? कहा जब छोटी हो जाऊंगी तब खिलाऊंगी। जब बड़ी हो कभी खिलाऊंगी, और छोटी जब हूँ मैं अभी भी खिलाऊंगी। अच्छा माशाल्लाह, आप तो गुड गर्ल हैं।
किस किस को खिलाएंगी आप? रायना वाली को और खुद को? खुद को तो राइस, खुद राइस खाएंगी? नहीं, खुद भी खाऊंगी। ओके, बिस्मिल्लाह पढ़े जी? वेरी गुड। और सर क्यों नहीं कवर? जब आटा गूंथते हैं सर को कवर करके, कुकिंग करते हैं सर कवर करके, ठीक है? अब बात चेंज नहीं करें, मेरी बात आप सुन लें। जब कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, चाहे आटा गूंथ रहे हैं चाहे खाना बना रहे हैं, सर को ढांप के, सर को कवर करके, इस्लाम में भी है, सर को ढांप के बनाते हैं, ठीक है? और वैसे भी हाइजीन से के लिए भी जो है ना वो अच्छा होता है कि सर कवर हो, ताकि बाल वगैरह ना जाए। नो, उससे कुछ नहीं करना है आपने। नहीं, ये ख़राब नहीं हुआ, आप अच्छे तरीके से आटा गूंथ लें, उसके बाद वॉश कर लेना, ठीक है? ऑयल में मैंने लहसुन, अदरक, ज़ीरा और हरी मिर्च, इसका तड़का तैयार करी थी और दाल बॉयल हो चुकी थी और बॉटल गोश्त कद्दू शरीफ जो हैं वो कट चुके थे, तो इसमें हमने ऐड कर दिए और उसके साथ टमाटर, टमाटर साथ ही गल जाएंगे। जैसे कुकर का अगर आप ढक्कन लगा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो छिलका उतार लीजिएगा टमाटर का, वरना कर सकते हैं उसके नोज़ल वगैरह में, तो फिर इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद चने की दाल बॉयल की थी वो पानी के साथ ही ऐड कर देंगे इसमें, और ये इसी में गल जाएंगे। आपकी मर्ज़ी, अगर शोरबे वाले रख रहे हैं तो शोरबे वाले रख लें, ड्राई रख लें, राइस के साथ खाएंगे तो शोरबे वाले रख लें वरना ड्राई रख लें। और मैं रोटी बना रही थी तो इसको सालनपुरी को खुश्क कर लिया था हमने। और ये जी, ये मेरी सिस्टर ने बना के भेजा था पास्ता, ये मैं इंजॉय कर रही थी, चाय भी मेरे साथ, आपको जैसे पता है चाय के शौकीन, तो चाय भी साथ साथ और साथ साथ पास्ता भी इंजॉय कर रही थी, तो ये थोड़ा सही बचा हुआ था, एंड हो चुका था। अकेले अकेले स्क्विड गेम खेल रही हैं अनमता। गेम खेलेंगे जब आलू और मटर इसमें नर्म हो जाए तो उसके बाद हंसपे ज़रूरत पानी डाल लें, जितना आपने शोरबा रखना उतना आपने ऐड कर देना है, और उसको बॉयल आने के बाद बस हरा धनिया से और खुश्क धनिया जो भी आपको पसंद हो उसे गार्निश कर लें। गर्मा गर्म हाथ भी जल रहा है। सरप्राइज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। ओ चाय भी, पकौड़े भी, मजे। ये चाय भी है, पकौड़े भी हैं, जो भी हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े।